हे सीमा, मैं कल सुबह से देख रही हूँ कुछ परेशान सी है। परेशान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताना क्या बात है। अनीता, हुँ? कल रात मैंने बहुत भयानक सपना देखा। अजीब सी जगह थी वो, वीरान, सुनसान। अचानक मेरे आंखों के सामने एक खौफनाक शक्ल आई। चेहरा जला हुआ, भयानक आंखें। उसके हाथों में लोहे के दस्ताने थे। वो मेरी तरफ बढ़ा, मैं डर कर भागी। उसने मुझ पर हमला किया। उसके लोहे के दस्तानों ने मेरा गाउन फाड़ दिया और मेरे शरीर को जख्मी कर दिया। और एक चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। अरे पगली, वो सपना ही तो था, इसमें परेशान होने की क्या बात है। वो सपना नहीं था। अगर वो सपना होता तो आंखें खुलने के बाद मेरा नाइट गाउन क्यों फटा होता। इत्तफाक, ये जख्म क्या ये भी इत्तफाक है? अनीता, कल रात मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। अचानक मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक शक्ल आई। चेहरा जला हुआ, भयानक आंखें। उसके हाथों में लोहे के दस्ताने थे। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे शरीर को जख्मी कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटी? कुछ नहीं माँ, इस किताब में एक अजीब सा भयानक किस्सा लिखा है जिस पे यकीन ही नहीं आता। तुम दिमाग को परेशान करने वाली ऐसी कहानियां पढ़ती है क्यों? चलो सो जा, कल कॉलेज जाना है ना, सो जा। पापा सो गए? हाँ सो गए। जागते तो भी क्या फर्क पड़ता। दिन में तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर बातें करते हैं और रात होते ही ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें जानते तक नहीं। भगवान जाने उन्हें क्या परेशानी है। तू सो जा। गुड नाइट। सात साल हो गए हमारी बेटी मोहिनी को गुजरे हुए, लेकिन अभी तक आप उसे भूले नहीं। मोहिनी,
मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी, क्या हुआ अनीता? क्या हुआ? वो मुझे मार डालना चाहता है, वो मुझे मार डालना चाहता है। कौन कौन मार डालना चाहता है? क्या हुआ? पापा, पापा मैंने एक डरावना सपना देखा पापा। सपना इंसान की सोच का नतीजा होता है, जैसा सोचोगी वैसा ही सपना देखोगी। चलो सो जा। दिमाग को दिन भर इधर उधर भटकाने की बजाय पढ़ाई में ध्यान दो तो तुम्हारा भी फायदा होगा और किसी की नींद भी खराब नहीं होगी। देखो फोर्थ वॉल्यूम से तुम रेफरेंस ले लो, आसानी होगी। यार परम, अनीता को देखा क्या? नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं, घर गया तो पता चला कि जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई। अच्छा, मुझे तो नहीं मिली, यही कहीं होगी यार। क्या बात है, चमन में फूल अकेला और भंवरे का पता ही नहीं। भड़वे तो तुम भी हो गुरु। क्या बकता बे? मेरा मतलब है भंवरे तो तुम भी हो गुरु, मगर अफसोस ये फूल तुम्हें अपने ऊपर बैठने ही नहीं देता। तुम मुझसे प्यार करते हो? दिलो जान से। तो फिर जाओ पहले प्यार करना सीख कर आओ। जैसे प्यार किया जाता है उसकी इज्जत की जाती है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। प्यार प्यार में फर्क होता है जाने मन, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे जिस्म से प्यार है। आ,
सर, सर वो देखिए। क्या हो रहा है ये सब? स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। सर ये लड़ाई झगड़ा ही करना है तुम लोगों ने, तो जाओ जाकर किसी गली या मोहल्ले के दादा बन जाओ, बहुत नाम होगा तुम्हारा और तुम्हारे मां बाप का। क्यों प्रकाश, तुम तो शरीफ खानदान के लड़के हो, तुमने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दी? सर ये रणधीर और उसके दोस्तों ने अनीता से बदतमीजी करने की कोशिश की। ये झूठ है सर, यही साला। माइंड योर लैंग्वेज। तुम लोगों की पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं मेरे पास, मैं अगली बार तुम्हें वार्न करता हूं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ नहीं तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। आप दफा हो जाओ यहां से।